गावा प्रखंड में लगातार 5-6 दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वर्षा से खेत, तालाब, नदी आदि जलमग्न हो गए हैं। वर्षा से प्रखंड स्थित सेरवा से डाबर जोड़ने वाली कच्ची सड़क पानी की तेज रफ्तार में बह गया। बता दें कि सेरवा से डाबर गांव जोड़ने वाली कच्ची सड़क नदी के तेज बहाव में कई जगह टूट कर बह गया। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग डाबर जाने के लिए इसी कच्ची सड़क का प्रयोग करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि सेरवा से डाबर गांव को PCC पथ से जोड़ने के लिए कई बार विधायक, सांसद और SDM को आवेदन दिया गया है, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। यहाँ पर PCC सड़क का निर्माण नहीं होने से हर बरसात में यह गाँव के कच्ची सड़क टापू बन जाती है। सेरवा से डाबर गाँव जाने के लिए आज तक सड़क नहीं बनाई गई है। वोट के समय में सभी नेता बड़े बड़े आश्वासन देकर चले जाते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाद में चुनाव जीतने के बाद वे सभी वादों को भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने शीघ्र ही सेरवा से डाबर जोड़ने वाली कच्ची सड़क को PCC के रूप में तब्दील करने की मांग की है। इधर आम आदमी पार्टी के धनवार विधायक प्रभारी सागर कुमार चौधरी ने कहा कि स्थानीय सांसद और विधायक को इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को आवागमन में बाधा उत्पन्न ना हो। उन्होंने विधायक से उक्त पथ पर PCC और गार्डवाल निर्माण की मांग की है। कहा कि शीघ्र ही इस पर पहल नहीं की गई तो यहां के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारे गाँव से डावर का मैक्सिमम दूरी हमें लग रहा है 1 से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन रोड की ऐसी हालत होने के कारण जर्जर हालत में कई बार गाड़ियां गिर जाती है और बारिश में अस्पताल जाने की भी बहुत सुविधा जर्जर स्थिति में है, जो कि हम कोई भी इमरजेंसी स्थिति में ना एम्बुलेंस बुला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं अपने आप की सुविधा। इसके लिए हमें किसी को भी उठा के ले जाना पड़ता है डावर से गाँव के लिए। गाँव प्रखंड के सेरवा पंचायत का डाबर गाँव के लिए जो आज तक सड़क नहीं बनी है, वो सड़क अगर विधायक या तो सांसद महोदय चाहे तो वो सड़क का निर्माण किया जा सकता है। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद से मांग करता हूँ कि डाबर गांव के लिए गढ़वाल और सड़क बनवाने हेतु जल्द से जल्द पहल की जाए। डाबर गांव जाने के लिए एकमात्र रास्ता यही है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ बहुत दिक्कत होती है। यहाँ जो पेशेंट है, मरीज हैं, जो बीमार पड़ते हैं उसको टांग के खाटी उट्टी से ले जाते हैं लोग डॉक्टर के यहाँ गाँव, और कोई रास्ता यहाँ नहीं है। चूँकि यही एकमात्र रास्ता था जो आज तक कोई सरकार का कोई नजर में नहीं है। यहाँ का MP MLA को भी लिखा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वी टाइम न्यूज के लिए गावा से सागर गुप्ता की रिपोर्ट।